कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। वर्ष 2021 दस्तक देने वाला है और जो लोग ज्योतिष पर यकीन रखते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल पर यकीन रखते हैं, उन्हें यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि नया साल उनके लिए कैसा रहने वाला है, उनके कैरियर के लिए कैसा रहेगा, उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा और उनके कैरियर को कौन सा मुकाम हासिल होगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, यानी तरह तरह के सवाल जहन में उमड़ना घूमना स्वाभाविक ही है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो वर्ष 2021 की जो शुरुआत है वो पुष्य नक्षत्र में कन्या लग्न और कर्क राशि में हो रही है। वर्ष 2021 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह मकर राशि में रहेंगे और इसी तरह जो राहु है वो वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे, शनि देव पूरा साल मकर राशि में विराजमान रहेंगे। जो मंगल ग्रह हैं वो मेष राशि से वृश्चिक राशि तक भ्रमण करते रहेंगे और इसी तरह जो बाकी ग्रह हैं वो बारह 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 बारी बारी से अपनी राशियों का भ्रमण करेंगे। अपनी पिछली पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बता चुका हूँ कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है और आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जिसके स्वामी मंगल है, कि वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2021 अपने बद मुट्ठी में क्या लेकर के आ रहा है। लेकिन इससे पहले मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है। वृश्चिक राशि हमारा जो ज्योतिष चक्र है उसकी आठवीं राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक राशि में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहती है, हठी होते हैं, मेहनती होते हैं और चुनौतियों का सामना करने की उनमें एक स्वाभाविक ललक रहती है। तनावपूर्ण क्षणों में भी वो अपना संतुलन कायम रखते हैं। इनको अपने काम में पूरी परफेक्शन हासिल होती है, दिमागी रूप से बहुत सजग रहते हैं, दोस्ती में जो है वो बहुत विश्वसनीय होते हैं। जिसके साथ एक बार दोस्ती कर लेते हैं उसे बीच मझदार में नहीं छोड़ते और इस राशि वाले लोगों की ये भी खासियत होती है कि वो बेवजह अपने काम में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते। बाहर से ये लोग भले खुद को सख्त दिखने का प्रयास करें लेकिन भीतर से बहुत कोमल और संवेदनशील होते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो वर्ष 2021 के 12 महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। शुरुआत हम जनवरी महीने से करते हैं, यानी नए साल की शुरुआत वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद बढ़िया रहने वाली है। कई सोचे हुए प्रोजेक्ट जो हैं वो सिरे चढ़ते चले जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल का पराक्रम भाव का स्वामी होकर के अपने घर में बैठकर पराक्रम स्थान को देखना आपके पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा, आपका कैरियर तेजी से आगे बढ़ेगा, आपको कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने में आप कामयाब रहेंगे। इस महीने जो बुध का कर्म भाव के स्वामी होकर सूर्य के साथ सुख स्थान पर बैठना आपके लिए बुधादित्य योग भी बनाएगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बृहस्पति और शनि का त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाना आपको अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड लाभ दे सकता है। यही नहीं, अगर आपकी कहीं फंडिंग रुकी हुई है, पैसा कहीं फंसा हुआ है तो इस महीने आपको वो पैसा और फंडिंग मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जीवन साथी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। फरवरी महीने की बात करते हैं तो इस महीने सूर्य का गोचर करके मकर राशि में आना और चार ग्रहों का सुख स्थान में चतुर्ग्रही राजयोग बनाना आपको व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता देने वाला है। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में भी इंक्रीमेंट के चांस बन रहे हैं, प्रमोशन के चांस बनेंगे। थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है, काम का बोझ भी आप पर थोड़ा बढ़ेगा, आप अपने भीतर थोड़ी धैर्य की कमी महसूस कर सकते हैं। लेकिन विदेश संबंधी जो कार्य है उसके लिए ये महीना आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। विदेश जाकर के पढ़ाई करने का विद्यार्थियों का सपना पूरा हो सकता है। इस महीने आपको बिजनेस में कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है और आप लंबी अवधि का निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहना होगा। मार्च महीने की बात करें तो सूर्य का कुंभ राशि में गोचर करके अपने घर को देखना कार्यक्षेत्र में तरक्की का एक नया योग बनाएगा। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, आपको नई परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढालने का मौका मिलेगा और उसमें आप कामयाब रहेंगे। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता को सराहा जाएगा। समाज में आपको यश और मान मिलेगा, कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, व्यापार में आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। इसमें आप नया वाहन ले सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, घर बदलने के भी योग बन रहे हैं।
आप किसी नई कंपनी में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं अच्छे पैकेज पर स्विच कर सकते हैं। इस महीने आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहेगा। अप्रैल महीने की बात करें तो ये अप्रैल महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2021 का अप्रैल महीना काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। मीन राशि में उच्च के शुक्र के साथ सूर्य का कम्बिनेशन आपके सुखों में वृद्धि करेगा, वैवाहिक संबंध आपके और मजबूत होंगे, विदेश यात्रा के आपको योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आप अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के बहुत संजीदा रहेंगे, गंभीर रहेंगे, सीरियस रहेंगे, सिंसेयर रहेंगे, संतान के प्रति आप अपने दायित्व को निभाने की कोशिश करेंगे, लव पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और रोमांस का अवसर भी मिलेगा, कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रसंग शुरू हो सकता है। रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए ये समय खास तौर पर बहुत बढ़िया रहने वाला है, उपलब्धियों भरा रहने वाला है। और जो लोग सौंदर्य प्रसाधन और कपड़ों के आयात निर्यात के व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें काफ़ी मुनाफा होने की संभावना है। मई महीने की बात करें तो मई महीने में वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर और लग्न पर रहेगी, जो आपके लिए लाभ का योग बनाएगी। सूर्य का गोचर करके अपनी उच्च मेष राशि में आना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। शुक्र व बुध का उसी घर में गोचर करना केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएगा, जो आपके कैरियर को मजबूती देगा, बुलंदी देगा, कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। बिजनेस में भी आपको नया पार्टनर मिलेगा। इस महीने हालांकि आपके विरोधी सिर उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, आपका दबदबा कायम रहेगा। लेखन, पत्रकारिता, कला, संगीत, नृत्य और अभिनय से जुड़े लोगों के लिए महीना खास तौर पर बढ़िया रहने वाला है। इनकम के कई नए सोर्स भी डेवलप हो सकते हैं। जून महीने की बात करते हैं तो जून महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा का शनि के साथ 12वें घर में विष योग बनाना ज्योतिष में बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। दवाइयों पर पैसा खर्च हो सकता है, घर में किसी बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल कराने की नौबत आ सकती है, लेकिन सूर्य का गोचर करके वृषभ राशि में आना व्यापार के साथ जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा संघर्षपूर्ण समय रहेगा। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनके प्रमोशन के योग भी बनेंगे। और क्योंकि राशि का स्वामी जो मंगल है वो कार्यक्षेत्र का स्वामी होकर त्रिकोण में भाग्य के स्वामी के साथ एक त्रिकोण का राजयोग बनाएगा, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय खास तौर पर शुभ रहने वाला है। जुलाई महीने की बात करते हैं, जो लोग व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं उस महीने थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई करीबी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, क्योंकि कार्यक्षेत्र के स्वामी बृहस्पति का 12वें घर में जाना कार्य के प्रति थोड़ा वितृष्णा भी उत्पन्न कर सकता है, थोड़ी सुस्ती भी दे देता है। लेकिन सूर्य का गोचर करके मिथुन राशि में बैठना और कार्यक्षेत्र को देखना नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत उम्दा रहने वाला है और उनके आगे बढ़ने के मौके बढ़ाने वाला है। नई जिम्मेदारी मिलेगी और धन लाभ के योग भी बनेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर समय बढ़िया है। इस महीने आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। अगस्त महीना आपके लिए कई मुरादें पूरी करने वाला होगा। शनि का कार्यक्षेत्र में आना कार्यक्षेत्र को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सूर्य का गोचर करके कर्क राशि में बुध के साथ आना बुध आदित्य योग बनाएगा। शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे और बृहस्पति वक्री यानी उल्टी चाल चलने के बावजूद आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन शनि का वक्री होना आपको थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है। जो शादीशुदा जोड़े संतान की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके घर में किलकारी गूंज सकती है, अच्छी खबर उन्हें कुछ सुनने को मिल सकती है। आपका कोई ऐसा काम भी बन सकता है जिसके प्रति आप निराश से हो गए थे, आपने उम्मीद छोड़ दी थी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। सितंबर महीने की बात करें तो बुध और शुक्र का सुख स्थान में नीच भंग राजयोग बनाना आमदनी का भी कोई नया सोर्स बनाएगा। अगर कहीं धन फंसा हुआ है तो वह या आपने कहीं निवेश कर रखा है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन करके अपने घर में पराक्रम के स्वामी के साथ मिलकर बैठना आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। मंगल और सूर्य का जो कम्बिनेशन है वो आपके इनकम के सोर्स भी बनाएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में कोई नया पार्टनर मिल सकता है। घर में किसी नए मेहमान के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है। अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन का है, यानी थोड़ा उतार चढ़ाव का रह सकता है, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल सूर्य के साथ अस्त होना और बृहस्पति का मार्गी होकर के
अच्छा फल ना देना आपको थोड़ा मायूस कर सकता है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। यही नहीं, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद उत्पन्न होने से घर में अशांति हो सकती है। कामकाज से संबंधित आर्थिक लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। आपको स्वास्थ्य पक्ष का ध्यान रखना होगा, चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ सकती है। मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जीवन में खुशहाली और परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा करें और अपने और उनकी तस्वीर के सामने, उनकी मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं, आपके लिए काफी शुभ रहेगा। नवंबर महीने की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना भी बढ़िया रहने वाला है। राशि के स्वामी मंगल का केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के सुख स्थान में बैठना आपके सुखों में, आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा सूर्य का गोचर करके कर्म के स्वामी के साथ बैठना आपके कार्यक्षेत्र को प्रभाव को बढ़ाएगा, भाग्य को बुलंद करेगा, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। अगर आपका जीवन साथी नौकरी करता है तो उसमें प्रमोशन के योग बन रहे हैं या उनके किसी पसंदीदा जगह पर तबादले के योग भी बन रहे हैं। नया वाहन, नया फ्लैट खरीदने के योग भी हैं। इस महीने आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहेंगे, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अब दिसंबर महीने की बात करते हैं, वर्ष का अंतिम महीना, और ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। सूर्य का गोचर करके वृश्चिक राशि में सुख के घर में बुध के साथ बैठना बुध आदित्य योग बनाएगा जो आपके कैरियर को आगे बढ़ाएगा। राशि के स्वामी मंगल का तीसरे घर यानी पराक्रम स्थान में जाना आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि का योग बनाएगा। व्यापारियों को थोड़ा संयम से काम लेना होगा क्योंकि उनके लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको उतावलापन से बचना होगा, कटु संबंधों से बचना होगा, कटु वचन से बचना होगा, व्यंग्यवाण चलाने से बचना होगा। कार्यस्थल पर कोई प्रेम प्रसंग जो है वो आपको विवादों में खींच सकता है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर भी फोकस करना होगा। घुटनों से जुड़ी समस्या या हृदय रोग से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। वैसे जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं, और अगर आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो सफलता मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत प्रीति।